हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ कुलदीप करियर सोशल साइंस टीचर. यस बेटा, इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द फेजेस ऑफ मून. टुडे वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक. इट्स नेम इज क्या बेटे? यो क्या है? अदर सेलेस्टियल बॉडीज. क्या है बेटा? अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. के हमारे सोलर सिस्टम में अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज है, हेवनली बॉडीज है, वो क्या है? देखो, सन, स्टार और प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के अलावा हमारे ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज है. अदर भी है, जैसे लाइक एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जो सन के आसपास घूमती है उसको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा ये चीज़ें भी है जिसको एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, कॉमेट्स बोलते हैं. ठीक है बेटा, तो ये क्या है? एस्टेरॉयड्स क्या है, मेटेरॉयड्स क्या है, कॉमेट्स क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है बेटा, क्या है बेटे? ये सन के आसपास रिवॉल्व करती है, ये चीज़ याद रखना. ठीक है बेटे, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, प्लैनेट्स की तरह. नेक्स्ट है बेटे एस्टेरॉयड्स. एस्टेरॉयड्स क्या है बेटे? ये रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड आर सन. ये हमारे सन के ऑर्बिट में एक पाथ में, स्पेसिफिक पाथ में आसपास घूमते हैं. दीज कैन बी फ्यू फीट वाइड टू सेवरल हंड्रेड माइल्स वाइड. मोस्ट एस्टेरॉयड्स ऑर्बिट आर सन अ स्टार इन अ रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर नोन एज एस्टेरॉयड बेल्ट. ये चीज़ को अंडरलाइन कर लो. क्या है बेटा एस्टेरॉयड्स? क्या है? ये रॉकी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है हमारे स्पेस में, जो सन के आसपास एक कुछ फ्यू फीट के वाइड में, कुछ वाइड पट्टी के रूप में. ये क्या क्या होते हैं? हंड्रेड माइल वाइड में या क्या होते हैं बेटे? हम सन के अराउंड क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. ठीक है बेटे, जैसे कि स्टार्स. तो ये क्या है बेटे? ये कहाँ घूमते हैं? इनका पाथ कौन सा है? इनका ऑर्बिट कौन सा है? जो मार्स और जुपिटर है ना, उसके बीच में. मार्स और जुपिटर दोनों के बीच में से ऐसा रास्ता है, एक बेल्ट बनी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट. ये जो है हमारे इसी तरफ से घूमते हैं हमारे सन के आसपास. ऐसे यहाँ सन है, यहाँ सपोज करो मार्स और जुपिटर है, इसके बीच में से ऐसा इनका रास्ता है. ठीक है बेटे, तो इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट. समझ में आ गया बेटा? क्या है एस्टेरॉयड बेल्ट? जो कहाँ पे घूमते हैं ये एस्टेरॉयड्स? सन के आसपास मार्स और जुपिटर के बीच में, जिसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट. कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, इस बेल्ट के यही बेल्ट है, इसके ऊपर ही ये घूमते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है मेटेरॉयड्स. मेटेरॉयड्स क्या है? आर लिटल चंक्स ऑफ रॉक एंड डेब्रीज इन स्पेस. रॉक एंड डेब्रीज मीन्स जो मलवा होता है, डेब्रीज उसको बोलते हैं. रॉक, रॉक का मटेरियल, टूटा फूटा पार्टिकल्स. तो स्पेस में ये भी चंक ऑफ रॉक, रॉक के टूटे हुए मटेरियल है. दे बिकम मेटॉर्स और शूटिंग स्टार. इसमें क्या आ जाता है बेटे? मेटॉर्स, और इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं. व्हेन दे फॉल थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर. जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से गिरते हैं ना, लीविंग अ ब्राइट ट्रेल एज दे आर हीटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर. ऐसा लगता है कि इसकी फ्रिक्शन होगी, इसकी रगड़ हो गई एटमॉस्फेयर के साथ, ऐसे जो गिरते हैं. मोस्ट ऑफ देम ब्रेक अप इन एटमॉस्फेयर बिफोर दे कैन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटेरॉयड्स. ज़्यादा से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में टूट जाते हैं. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट ये भी क्या होते हैं? एक डेब्रीज होता है, रॉक का मटेरियल होता है. नेक्स्ट क्या है बेटे? सॉरी, नेक्स्ट क्या है? डू यू नो अ क्रेटर इज अ डिप्रेशन विच मे बी फॉर्म्ड आइदर बाय फॉलिंग ऑफ अ लार्ज मेटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बाय वॉल्केनिक इरप्शन. मेटर्स क्रिएटर ऑफ नॉर्थ एरिजोना यूएसए इज नियरली 1 mile अक्रॉस 2.4 miles इन सर्कमफ्रेंस एंड मोर दैट 550 feet डीप. क्या बेटे? ये क्रेटर एक डिप्रेशन होता है. जब एक सरफेस में एक होल हो जाए, उसको क्रेटर बोलते हैं. तो क्या होता है बेटे? ये जैसे जो मेटोरस गिरता है ना, ऐसे जैसे ये देखो, ये बता दिखाया हुआ है मेटोर एक पिक्चर में. तो जो मेटोर गिरता है तो ऐसे कभी कभी क्या होता है अर्थ में वॉल्केनिक इरप्शन की तरह ऐसा होल हो जाता है. तो जो ऐसे ही बेटे नॉर्थ एरिजोना में हुआ था, जिसको नॉर्थ एरिजोना का जो होल कहते थे. ठीक है बेटे, ये यूएसए में है, जिसका सर्कमफ्रेंस कितना था? 2.4 miles. ठीक है, जो डीप कितना था? 550 feet. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटे कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या होते हैं बेटे?
कॉमेट्स आर स्मॉल बॉडीज विद द हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। ये कॉमेट्स होते हैं, ये देखो जो दिखाया गया है, कॉमेट्स क्या होते हैं बेटा, कॉमेट्स है जैसे ऐसे, जिसका हेड होता है और उसकी टेल भी होती है, ठीक है बेटा। ये पिक्चर में दिखाया हुआ, कॉमेट्स आर स्मॉल बॉडीज विद हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। ल्यूमिनस मीन जो वो चमकती दिखाई देती है, उनकी टेल और हेड, हेड भी देता है और टेल भी चमकती दिखाई देती है, ठीक है बेटे। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेज। ये डस्ट और फ्रोजन गैसेज से बने होते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड के बाद हमारे स्काई में दिखते हैं। अ कॉमेट्स इज नोन एज हेलिस कॉमेट्स। एक कॉमेट को क्या जाना था, हेली, हेली का पूछल तारा भी बोलते हैं इसे। अपियर्स इन द स्काई, जो कब एग्जिस्ट होता है, 76 ईयर्स के टाइम के बाद। देखो 76 ईयर्स के बाद ये एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है बेटा, ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है बेटे कीवर्ड्स, एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते हैं, जो वो साइंटिस्ट जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। क्लस्टर क्या होता है बेटे, ग्रुप, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्रिशेंट, क्रिशेंट शेप क्या होती है, जैसे मून की शेप दिखाई थी ऐसी, उसको क्रिशेंट शेप बोलते हैं, ठीक है बेटा, जब हाफ दिखाई देता है हमें, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट है बेटे फर्नेस, फर्नेस क्या होती है बेटे, एक चैम्बर, एक भट्टी जिसको बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स, जब कोई चीज़ किसी, कोई मास, जब कोई चीज़ जैसे हमारी अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, जब कोई चीज़ टूटती है तो अर्थ के ऊपर गिरती है ना, क्यों, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि उसको उसमें खिंचाव है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटे सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस होता है जो अपने आप लाइट को एमिट करता हो, ठीक है। स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है जैसे मैंने आपको बताया था, जो टॉप, जो स्लाइटली टॉप में तो फ्लैटनड हो, ऐसे यहाँ से फ्लैटनड है और बीच में से इक्वेटर की वजह से बल्ज होती है, उसको स्फेरिकल बोलते हैं, जैसे हमारी अर्थ की शेप है, ठीक है बेटा। तो ये बेटे लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नेक्स्ट बेटे हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।